गाइस, अब मैं रिया करने वाली हूँ ऑन केजीएफ सीन 3 फ्रॉम द मूवी केजीएफ। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, आई एम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल, निखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। अब से इनायत खलील के लोग हमारे धंधे में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। सब कुछ ठीक है, जाने दो। वजह है रॉकी, वो तुम्हारा शूटर इतना सब कुछ कर रहा है शेट्टी के लिए या बम्बई के लिए? हम आपके साथ ही हैं शेट्टी भाई, लेकिन रॉकी है इसीलिए लोग हमसे डरते हैं। रॉकी का नाम पूरी बम्बई में ही नहीं, पूरे पश्चिमी तट पर भी सुनाई देने लगा है। कि भाई यार, कितने आदमियों को मारा? दिन पूरा होने के बाद गिन के बताऊंगा। चल। बम्बई में सब तेरे को सलाम ठोकते हैं, सिर्फ रॉकी को छोड़कर। रॉकी को तेरे कुर्सी पे बहुत प्यार है। तेरे को लगता है कि कुर्सी तेरे है तो ये तेरा गलत फहमी है। रेशम तैयार होने तक ही रेशम के कीड़ों की जिंदगी होती है, उसके बाद उनको गर्म पानी में डाल देते हैं। अरे पठान, हाँ भाई, इस बम्बई में अपुन के एड्रेस में पिन कोड ना हो तो भी पोस्ट आ जाता है, पता है क्यों? अब उनका नाम ही इतना फेमस है। हाँ ना भाई, सब लोग आपकी तरह थोड़ी होते हैं भाई। कुछ लोग 10 लोगों को टपका के खुद को डॉन समझने लगते हैं। ओके ओके, कौन? डायरेक्ट बम्बई। पोस्ट सिर्फ एड्रेस की वजह से नहीं आता। लैंडमार्क की वजह से आता है, और इस लैंडमार्क को पिन कोड तो क्या, स्टैम्प की भी जरूरत नहीं है। सोने के गुल्लक को चिल्लर बटोरने के लिए नहीं रखा जाता। ओ! सिर्फ 10-12 लुखे लोग को ठोक कर डॉन नहीं बना। अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। नहीं समझे। पहली बार देखा शेट्टी किसी को सलाम करने गया था, लगता है उसका ही चलता है बम्बई में। वो शेट्टी हमें नहीं छोड़ेगा, वो जरूर कुछ करेगा। तो क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है? ए, तो चुप कर, शेट्टी के बारे में तू फिकर मत कर, अपने सब लड़के तेरे साथ हैं। तू हमेशा से बोलता था ना कि तुझे बम्बई चाहिए, अब वक्त आ गया है, अब तू बम्बई का बादशाह बनेगा।
क्या सीन? समंदर कितना गहरा है? क्या गहराई जाने बिना इस पर राज नहीं किया जा सकता। चलो उतर के माफ ही लेते हैं। एल्डोराडो की कहानी जारी रखने के लिए मुझे एक नया मोड मिल गया। बैंगलोर। कहां से कहां तक आ गई है ना ये मूवी। मतलब आप ये सीन देखते समय आपने कुछ ऐसे इमेजिन किया कि लाइक मुंबई दुनिया, सॉरी मुंबई इंडिया, देन अभी थर्ड पार्ट में क्या होने वाला है। पोस्ट क्रेडिट सीन अगर आपने देखे होंगे तो कहां से कहां आ गई है मूवी। मतलब जब इसका ट्रेलर आया था, जब कभी भी आया होगा, तब आप लोगों ने कभी इमेजिन किया था कि ये इतनी ह्यूज हो सकती है, कि इसकी फ्रेंचाइजी इस तरीके से बनेगी एंड ये इस तरीके का क्रेज क्रिएट करेगी लोगों में, है ना। लिटरली ये मैं रिएक्ट करते करते उस सोच में चली गई। ओके, और जो कोई भी लाइक मैं बोल रही हूँ सलार या केजीएफ जैसा ही कुछ होना चाहता था, या फिर माइंड भी आप अपन रिलेट कर पा रहे थे बहुत सी चीजें एक दूसरे को। सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट था सलार में, जैसे इसके पावरफुल डायलॉग्स थे। लाइक आप देखो ना, सिर्फ दो क्या 10-12 लुखे लोगों को मार के मैं डॉन नहीं बना। जिन लोगों को मैंने मारा था वो खुद ही डॉन थे, या फिर उसके पहले वाले भी जितने भी डायलॉग्स थे, मतलब एक से एक डायलॉग। ओके, और ऊपर से वो एंगल, वो म्यूजिक, वो सारी चीजें, वो रॉकी भाई का एटीट्यूड। मेन तो ये है कि एक्टर अभी इसमें कैसा है पता है क्या, वो अगर सिर्फ खड़ा भी रह रहा है, वो सिर्फ खड़ा रहा और उसने सिगरेट मुंह में डाली एंड उसने वो स्मोक करने का चालू किया था, वो उतना सा टाइम केस में है उसका, जब वो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है एवरीथिंग। रॉकी का एटीट्यूड, उसका स्क्रीन प्रेजेंस और ये सारी चीजें ने लोगों को क्रेजी बना दिया। ठीक है, वो जिस तरीके से खड़ा रहता है, अभी जैसे कि मैं बता रही हूं उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका सनग्लासेस, उसकी बियर्ड, उसका हेयर स्टाइल इतना कॉमन दिखने लगा आपको केजीएफ के बाद, इससे बड़ा क्रेज कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और जो भी डायलॉग्स थे, समंदर की गहराई, मुंबई पे राज एंड एवरीथिंग, मतलब जो लड़का जो खाने पीने जूते पॉलिश करता था, जो कुछ कुछ भी नहीं था, बस अपनी माँ के कुछ आखिरी शब्दों के वजह से वो कहां से कहां पहुंचने वाला है आगे के सीन्स में, अभी नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है आगे के सीन्स देखने के लिए तो लाइक कमेंट शेयर से भर दो, बताओ मुझे कि आपको अगला सीन देखना है, नहीं तो मैं डायरेक्टली मूवी चेंज कर दूंगी, ये मूवी यहीं पे स्टॉप कर दूंगी। बिकॉज ये तब था जब मेरा रिएक्शन चैनल नहीं था, तो तब मैंने रिएक्ट नहीं किया था इस पे। सो इफ यू गाइज वॉन्ट कि मैं रिएक्ट करूं तो आप मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स देना। ओके, केजीएफ 2 का सारे सीन्स पे रिएक्ट कर लिया है मैंने, उसको आप जाके देख सकते हो कभी भी, बट पार्ट 1 का देखना है तो बताओ मुझे। सो दिस इज द क्रेज ऑफ केजीएफ एंड इट लिटरली इवन आई एम वेटिंग फॉर केजीएफ। यू नो पुष्पा का अनाउंसमेंट सुन के भी मैं इतनी एक्साइटेड हो चुकी हूँ। पुष्पा के भी सीन से यहाँ जाके जरूर चेक करना। तो ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निहाले सा, बाय।